नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम HDFC फ्लैक्सी कैप फंड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आपको हर एक पहलू पे कंपेयर करके बताऊंगा कि ये फंड को आपके पोर्टफोलियो में आपको शामिल करना चाहिए, आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरिधर, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, HDFC फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये स्कीम 2013 के अंदर शुरू हुई है। इसने सिंस इंसेप्शन 14.92% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, पिछले 5 साल में 14%, पिछले 3 साल में 14.9%, पिछले 1 साल में 24.5% और पिछले 6 महीने में 5.8% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर आप इसके कैटेगरी एवरेज के ऊपर नजर डालें और पिछले 4 होरिजोन के ऊपर नजर डालें तो 2 होरिजोन में ही ये बीट कर रहा है अपने कैटेगरी एवरेज को, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है वो लॉन्ग टर्म रिटर्न को बीट नहीं कर पा रहा है अपने कैटेगरी एवरेज को। तो यहां से आपको थोड़ा सा अंदाजा तो मिल गया होगा। इसके साथ में आगे भी हम लोग देखेंगे, बहुत ही टेक्निकली आपको बताऊंगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको ये फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। चलिए अब थोड़ा सा इसका पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालते हैं। तो यहां पे अलोकेशन अगर देखेंगे, इक्विटी के अंदर ये म्यूचुअल फंड का 95.34% अलोकेशन है, कैश एंड इक्विवेलेंट पे 4.58% के साथ में आप मेजर अलोकेशन यहां पे देखेंगे तो इक्विटी के अंदर है। चलिए थोड़ा सा और डिग डाउन करते हैं इसको। प्राइवेट बैंक के अंदर 15% का एलोकेशन है, पब्लिक बैंक के अंदर 10%, ऑयल गैस के अंदर 8.79%, पावर जनरेशन में 7.91%, आईटी सर्विस में 6% और बाकी अदर्स में 52% का एलोकेशन दिया हुआ है। चलिए और थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, एक्सपेंस रेशियो 1.07% है, कैटेगरी एवरेज का 0.96 है, AUM 26,000 करोड़ का मैनेज कर रहा है ये म्यूचुअल फंड। 1.9 मंथ्स में इसने अपने पैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पैसे डबल करके दिए हैं। 9 इयर्स की एज अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ₹300 की SIP से चालू कर सकते हैं और लमसम ₹5,000 से चालू कर सकते हैं। वैल्यू रिसर्च की रेटिंग 2 स्टार है, इसका रीजन यही है। थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा, जब हम लोग रेशियो की बात करेंगे तब आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका टैक्सेशन के ऊपर। ये सिंपल टैक्सेशन है, अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो कैपिटल गेन जो है वो पूरा कैपिटल गेन के ऊपर 15% आपको देना पड़ेगा। अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। इसके अंदर आपको 1 लाख तक छूट मिलती है एवरी ईयर, बाकी का जो अमाउंट बचता है उस पे आपको 10% का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा स्ट्रेट अवे। इसके बाद में चलिए हम लोग अब बात करते हैं, मेन जो हमारा कंटेंट है वो है रेशियोज। तो यहां पर रेशियोज की अगर बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए 27.45% है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 40.74। तो यहां पे एक एडवांटेज ये है कि इसका पी रेशियो कम है, मतलब कि कम पैसा लगाना पड़ता है ₹1 जनरेट करने के लिए, ₹27 ही लगाने पड़ते हैं ₹1 जनरेट करने के लिए। चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं फंड परफॉर्मेंस को। दोनों फंड परफॉर्मेंस नेगेटिव है, इसका मतलब हाईली वॉलेटाइल है ये फंड। ऑब्वियसली इक्विटी फंड है तो हाईली वॉलेटाइल रहेगा ही। इसके साथ हम लोग देखते हैं अभी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाले तीनों रेशियो यहां पे नेगेटिव है। इसीलिए आगे जो फर्स्ट स्लाइड आपको दिखाया था पूरा जो है वो आपको नेगेटिव दिख रहा था। वैल्यू रिसर्च की रेटिंग भी आपको 2 स्टार दिख रही थी, इसी की वजह से ये एक सिग्नल देता है कि जो रिस्क ले रहे हैं उसके हिसाब से ये म्यूचुअल फंड रिटर्न जनरेट करके नहीं दे पा रहा है। तो आपको यहां से मोटा मोटी आइडिया तो लग ही गया होगा कि आपको ये फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहिए कि नहीं। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे इसका रिटर्न के ऊपर देखते हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर देखते हैं। 5 साल पहले अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करते तो ये फंड आज के दिन में आपको 96,771 रुपये 14% रिटर्न के साथ और कैटेगरी एवरेज 95,500 रुपीज़ 13.83% रिटर्न के साथ बना के देता। 50,000 रुपये कंटिन्यू करते 15 साल पे 3 लाख रुपये, 20 साल पे 4.8 लाख रुपीज़ और 30 साल पे 15 लाख रुपये आपके पास बनते। अब SIP पे नजर डालते, 1500 रुपये की SIP, ये फंड आपको आज के दिन में, 5 साल पहले अगर आप 1500 रुपये की SIP की होती तो ये फंड आज के दिन में आपको 1,40,000 बना के देता 17.84% रिटर्न के साथ। कैटेगरी एवरेज आपको 1.37 लाख रुपीज बना के देता 16.73% के साथ। यही SIP आप कंटिन्यू करते तो 15 साल के बाद आपके पास 7.5 लाख रुपए, 20 साल के बाद में 15 लाख रुपए और 30 साल के बाद में 53 लाख रुपीज बच जाते हैं। चलिए अब SWP के ऊपर नजर डालते हैं, अगर आपको ये फंड में SWP करानी है नहीं, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता क्योंकि हाईली वॉलेटाइल है और सिग्नल्स भी यहां पे सारे रेड है। इसके चलते मुझे ऐसा फील नहीं आ रहा है या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है
कि ये फंड आगे उतना ही परफॉर्म करेगा जितना अभी जो जो रिसेंटली परफॉर्म कर रहा है वैसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसके लिए मैं एसडब्ल्यूपी के लिए फंड को चूज नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आपके कुछ पैसे हैं, आपको लग रहा है तो आप एकदम कम रिस्क पकड़िए, 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न पकड़िए लॉन्ग टर्म के अंदर में, 15-20 साल के अंदर में, और आप इस पर ओनली 6% का एसडब्ल्यूपी करिए, है ना। 6% 5 लाख के ऊपर होता है, सालाना 30,000 रुपए और पर मंथ का होता है 2500 रुपए। आप इसमें से एसडब्ल्यूपी करा सकते हैं 5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट पे। That is up to you, आपका कॉल है, मैं रिकमेंड यहाँ पे नहीं करता। लेकिन आप अगर थोड़ा सा इसके ऊपर नजर डाले, मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, आप अगर इसका रिटर्न पे नजर डाले तो पिछला 5 और 3 साल का जो होरिजोन है कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया, लेकिन जो रिसेंट है 1 साल और 6 महीने में काफी अच्छे मार्जिन से यहाँ पे कैटेगरी एवरेज को बीट किया। मतलब कि इसने जो पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा सा चेंज किया, इसके चलते ही अभी जो करंट रिटर्न मिल रहा है थोड़ा सा अच्छा मिल रहा है। इसके लिए अगर अभी आपका पैसा ये फंड के अंदर है, थोड़ा सा होल्ड करिए, 1 साल तक देखिए, 6 महीना भी देख सकते हैं, 1 साल भी देख सकते हैं, और आप उसको मॉनिटर करिए कि कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कैटेगरी एवरेज को अगले एक साल तक बीट नहीं कर पा रहा है तो आपको ये फंड से निकल जाना चाहिए। और जो नए इन्वेस्टर है उसके लिए मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि ऐसे फंड के अंदर आपको फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको भी और कोई फंड का रिव्यू करवाना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वही फंड का रिव्यू करके हम अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे। ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए वीडियोस हम लोग इस चैनल पे लाते रहते हैं। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।